चलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं यार? ठीक ठाक हैं आप? सो यार, वन ऑफ़ द मोस्ट एक्साइटिंग व्लॉग्स ऑफ श्रीलंका टूर जो मैं भी आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ। कुछ दो चार दिनों की फुटेज मेरी रह गई है, दो चार इवेंट्स रह गए हैं श्रीलंका के। ये जो है इसके अंदर मैं पाकिस्तान के ट्रैवल ब्लॉगर बिलाल अजीम भाई, उनके साथ मैंने श्रीलंका के अंदर कोलंबो का जो उनका कैपिटल है उसका फूड फेस्टिवल जो पहली दफ़ा हुआ उसको हमने जाके कवर किया। हम और ये बाई चांस ही हो गया कि हम लोग वहाँ पे थे और वो अनाउंस हुआ और मज़े मज़े के फूड श्रीलंका के जो फेमस हैं सारे वहाँ पे उन्होंने फीचर किए हुए थे। तो सारी हमारी इवनिंग जो है इस फूड फेस्टिवल को एंजॉय करने में लग गई। आप लोग भी देखें और एंजॉय करें। विद वन एंड ओनली बिलाल भाई। हम यहाँ पे दोनों आ रहे हैं जी, बाइक पे आ गए जी। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान इंडिया का ड्यूट हो गया भाई। ये जो भाई कैमोफ्लॉज शर्ट के अंदर हैं ये इंडिया से आए हुए हैं और ये और बिलाल भाई पूरा श्रीलंका साथ घूमने का इनका प्लान है बाइक के ऊपर। और ये दोनों का अपना डुएट था और मैं यहाँ से इनको यहाँ पे मिला हूँ और अब हम लोग मिलके पूरा फूड फेस्टिवल घूमेंगे इंशाल्लाह। हाँ, लैंड भी सेम डे भी है। ठीक, कल हम लैंड किया हमने सही और आज हमारा सेकंड डे है। एवरीवन, आपको मैंने बता तो दिया मेरी श्रीलंका की ट्रैवल स्टार्ट होने लगी है और मैं इस वक्त कोलंबो में खड़ा हूँ। तो लेट मी टेल यू कि मेरे साथ इधर कोलंबो में कौन मुझे मिला है जनाब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई? ठीक ठाक है यार। मतलब दो पाकिस्तानी पाकिस्तान में नहीं मिले, बाहर आके मिल रहे हैं। मैं कहता हूँ और सारा क्रेडिट इनको जाता है, ये सारा इन्होंने कहा कि चलो फलानी जगह मिलते हैं। यार आप ज़रा ये नज़ारे देखें, ज़रा ये हवा से पानी इतना तेज़ हुआ हुआ है, वेव्स इतनी तेज़ आ रही हैं, वो आगे से ट्रेन आ रही है भाई। बिलाल भाई फाइनली सर। तो अब आपको यहाँ पे बेसिकली नॉइज़ की वजह से आपको हमारी बातों की समझ नहीं आएगी। पहले एक चक्कर लगाया है बिलाल भाई ने और वो अमित भाई जो इंडिया से आए हुए हैं उनको पहले बाइक पे जाके छोड़ा है उस फूड फेस्टिवल वाली जगह स्पॉट पे। यहाँ से कोई अंदाजा 1 किलोमीटर आगे इसी रोड के ऊपर सीधा आगे, फिर उन्होंने मुझे वापस आके पिक किया मुझे। अब हम दोनों वहाँ पे आगे जाएंगे और फिर मिलके फूड फेस्टिवल को इंशाल्लाह एंजॉय करेंगे। भाई ये एंट्रेंस है जी फूड फेस्टिवल की, फूड फेस्टिवल 2022। हेलो, 500 क्लेम होगा या जाया जाएगा? तो 500 विल बी यूज्ड इनसाइड और इट इज ओनली द एंट्रेंस टिकट। यू कैन यूज 300 फॉर फूड। ओके परफेक्ट। भाई मुझे तो बिलाल भाई भूख लग गई है यार, भूख लग गई है और खुशबूएं बहुत ज्यादा आ रही है, लेकिन यार यहाँ पे हलाल मिलेगा या नहीं? भाई दोनों साइडों के ऊपर जो है सही स्टॉल्स फिट से लगे हुए हैं, सिर्फ फूड स्टॉल्स नहीं है, बाकी ज्वेलरी भी है, एक्सेसरीज भी हैं, फ्लावर्स भी हैं। आई थिंक हनी है, प्रीमियम बी हनी। हाँ, दूर से मुझे हनी लग रहा था, हनी है, डेयरी प्रोडक्ट है। दो ब्रांड्स हैं। ओ, डू यू रिमेम्बर मी? डू यू रिमेम्बर मी? हम लोग मिले थे मॉल में, इनका ब्रांड वेफल कैफे। ये जितने बड़े बड़े जो ब्रांड्स हैं ना, ये मॉल में जाके हम लोग मिले थे, जो मेरे साथ फ्रेंच और जो रशियन ब्रदर नहीं कहते, टैकोस की तरह इमली की चटनी है ये, ऊपर इन्होंने डाली है गैस। ये जब फूड ब्लॉगर ये ब्रेड के अंदर सॉसेजेस और दिस वन, ओके चिकन ड्रमस्टिक्स भाई, ये देखिए ठीक होगा जनाब। यार अब चीज़ें तो यकीन करें इतने मज़े की लग रही थी, लेकिन वही बात है कि कोई भी मीट का आइटम नहीं खा सकते थे। कोई पूरे फूड फेस्टिवल में कोई गिने चुने कोई 2-3 स्टॉल थे जो कि हलाल फूड जो है ना वो क्लेम कर देते और वो मुस्लिम कम्युनिटी भी वहाँ से जाके ले रही थी, लेकिन इनकी अच्छी बात सबसे ये थी कि ये ऑनेस्टली बता देते हैं कि नहीं भाई ये हलाल नहीं है।
तो फिर हमने उनको स्किप किया, लेकिन कवर करने के लिए सिर्फ दिखाने के लिए कि क्या क्या चीज़ें थी मज़े मज़े की, वो मैं आप लोगों को सारा दिखाऊंगा इंशाल्लाह। यार पहला फूड ट्रक देखा है जिसके ऊपर बैठने की भी जगह है, और देखिए ऊपर इनके बैठने की भी जगह है यार, बड़ी प्यारी सी। पहले टेस्टी फूड आ चुका है, फ्रेंच फ्राइज, प्रॉन्स, क्रैब, बहुत सारे सी फूड आइटम्स जो हैं। इनमें से हमने एक पूरी ली थी सी खाप कह लें कि प्रॉन्स की, और उसमें तो प्रॉन्स की आंखें नज़र आ रही थी, तो मेरे से तो देखा नहीं जा रहा था। अजीब ही सीन है भाई, ये देखे मैंने दुम निकाली है, तो ये कैसा कह रहे हैं ये खाना है आपने, ये ये भी पकड़ो ना साथ, क्रिस्पी तो खाना है ये दिखाओ। अच्छा भाई ये प्रॉन्स जो है बेसिकली ये इसकी चिल्ली में से निकला है, और ये ना इसका हरा मगज भी निकालना होता है। अच्छा, हाँ नहीं ये क्या है इसका? आपका प्रॉन आपको ही मुबारक। मेरा आप आँख भी खा रहे हैं? नहीं नहीं आँख में नहीं पहुँचा मैं, ये प्रॉन पकौड़ा है, मैंने पूरा खा लिया। नहीं मुझे कुछ नहीं पता, मैं प्रॉन नहीं खा रहा। अच्छा नहीं खाया कभी? नहीं मैंने प्रॉन खाए इस तरह नहीं खाया। अच्छा इस तरह नहीं खाया, इस तरह समेत है ये तो, पूरा आंखों समेत है, दुम समेत है। ये जनाब जी कपड़े उतर गए हैं और हम अब अलहदा खाते हैं। बिलाल भाई के चैनल को आपने लाजमन सब्सक्राइब करना है, ये लेजेंड है ट्रैवलिंग के। क्या है चैनल का नाम? बिलाल अजीम बीइंग अ ट्रैवलर, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। और ये हमारे कैंपिंग ट्रैवलर इंडिया। ये साइकिल के ऊपर पूरी दुनिया घूमने का इनका गोल है, बहुत सारी कंट्रीज घूम चुके हैं ये, तो यार बहुत मजा आ रहा है। सो लिंक डिस्क्रिप्शन में, सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में। अभी खाऊं या नहीं? कुछ है ही नहीं इसमें खाने का, क्या खाऊं इसमें यार, इतना पतला सा तो है ये। पारो यार फिश भी है भाई, पारो है भी फिश करना, फिश है भाई, इसको खाने का दिल ही नहीं करेगा यार। पारो फिश है भाई। पार्वती तुम कहां आ गई? स्पार्कलिंग मॉकटेल, और इनका ये जो पीच फ्लेवर है ये मैंने ट्राई किया है, इन्होंने सॉर्ट ऑफ हमारे साथ कलैब की है, और क्योंकि इन पर ये लोग सारे यहाँ पे जो यूट्यूबर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं, और उनकी एडवाइस और उनके रिव्यूज़ को बड़ी वैल्यू करते हैं, तो इसको हमने ट्राई किया है, शोर बहुत ज़्यादा हो रहा है, और उन्होंने हमें सारों को, मैं मुझे बिलाल भाई को हम सबको ये सारी अपने डिफरेंट प्रोडक्ट्स ट्राई करवाए हैं, और जो बस आपको मैंने जेन्युइन सा रिव्यू दिया, बेसिकली ऐसा फील हो रहा है कि जिस तरह आप जो है ना ये बीच जो होता है वो खा रहे हो साथ, और साथ आप सेवन अप पी रहे हो, तो वो जो फ्लेवर आगे मुँह में आएगा ना बेसिकली वो है। ये बेसिकली दे रहे हैं बादाम 120 इज वन, अच्छा 120 रुपए का यार, पाकिस्तानी 100 रुपए का। और व्हाट इज दिस? बिच्चा चिकन, दिस इज ब्रेड, ओके ये ब्रेड है, एंड दिस इज चिकन, दिस इज फ्राइड चिकन, ओके, और दिस इज पिज्जा स्लाइस, अच्छा यार ये पिज्जा स्लाइस है, दिस इज सिंपल पिज्जा, हाँ, एंड व्हाट इज दिस? दिस इज बादाम, कच्चा बादाम, कच्चा बादाम, दिस इज कच्चा बादाम। यार फाइनली ये एक स्टॉल जो है ये ड्रिंक्स फ्री में दे रहा था, उनकी ब्रांड की लॉन्च हो रही थी, वो भी एक यहाँ का श्रीलंकन फूड ब्लॉगर हैं, उन्होंने अपना एक ब्रांड स्टार्ट किया, तो ये दो तीन इनके डिफरेंट टाइप की ड्रिंक्स थी, एक के अंदर अदरक और साथ
स्ट्रॉबेरी का एक मिक्सर है, दूसरी जो थी वो अदरक के साथ आपका ये क्या होता है वाटरमेलन। तो ये बड़ा यूनिक सा फ्लेवर है, जिस तरह हम लोग अदरक का कावा नहीं पीते तो जो गले में लगता है जब गला ख़राब होता है, तो वही फ्लेवर है लेकिन ठंडा ठंडा गर्मी है, तो ठंडे ठंडे कॉम्बिनेशन के साथ अदरक का कावा है। वेरी नाइस, बेसिकली वेरी टेस्टी अदरक का कावा, ठंडा अदरक का कावा गर्मियों के लिए। ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है। चार पांच हम लोग जो है ना ग्लासेस हम लोग ले आए हैं, साथ हमारे चावल यहाँ पे रेडी हो रहे हैं। तो यही एक स्टॉल था जो कि प्रॉपर फुलफिलिंग दे रहा है, बाकी तो छोटी छोटी सी सर्विंग्स है, उसमें हमारा पेट नहीं भरा। हमने सारा मार्केट सारी ये फूड स्ट्रीट घूम ली है। ये वो श्रीलंका के फूड ब्लॉगर हैं जिन्होंने मॉकटेल का अपना ब्रांड स्टार्ट किया था, और जब उनको पता चला कि हम लोग भी ब्लॉगर हैं पाकिस्तान से, तो बड़े एक्साइटेड हो गए, कहते हैं यार कि आप लोग हमारे चैनल को के लिए जो है ना अपने रिव्यूज़ दो। वाह जी वाह, जगह पकड़ ली भाई, वाह जी हां हां, जगह आ गए भाई, फाइनली हमारे चावल आ गए हैं, सी फूड फ्राइड राइस विद प्रॉन्स विद फिश, ये प्रॉन के साथ, ये देखें जी प्रॉन आ गया आपके। एंड हो गया भाई, एंड हो गया भाई, अल्लाह हाफिज़। धुंधी आ रही है, धुंधी निकालनी पड़ेगी, और एक ना हरी मिर्च भी है साथ में।